अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर बिन तारक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पेशली रूरल एनक्लेव के ऊपर है। सोसाइटी ने दो दिन पहले अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इसके अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। अक्सर क्लाइंट हमसे पूछा करते थे कि सोसाइटी कब्जा कब देगी, कंस्ट्रक्शन कब साइट पर शुरू होगी, डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे। इन सारे सवालों के जवाब दो दिन पहले जो इवेंट हुआ है इसमें कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब ने रिकॉर्ड करवाए हैं। आइए जरा असद साहब की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन जरूर खींचना चाहूंगा डेवलपमेंट चार्जेस से पहले कि रूरल एनक्लेव ने हमेशा आपके साथ रिश्ता निभाया है और इसलिए हमने स्लोगन भी रखा है कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। कैसे रिश्ता निभाया है कि आपको इतनी बेहतरीन लोकेशन के अंदर एक अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी डिवेलपमेंट के साथ, कंपेयर टू पूरी मार्केट कम से कम लैंड कॉस्ट में आपको प्लॉट हमने हैंड ओवर किया है। अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, जो हमारे रेंटर्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का काम करते हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इसको खुद ज़रा स्टडी करें और देखें कि अगर आपको यहाँ पे 7 मरले का प्लॉट 18 लाख या 22 लाख में मिला है लैंड कॉस्ट, तो आपके सराउंडिंग में क्या रेट्स कर रहे हैं। और ना सिर्फ लो कॉस्ट हमने दिया है, उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी आप लोगों ने अवेल किया है। और शायद कोई ऐसा क्लाइंट हो या ऐसा रेंटर हो जिसने वो डिस्काउंट पॉलिसी अपने क्लाइंट्स को अवेल ना करवाई हो, तो ऑलरेडी कंपेयर टू पूरी मार्केट हमने लो कॉस्ट में आपको लैंड कॉस्ट का प्लॉट प्रोवाइड किया और उसमें मजीद हमने डिस्काउंट भी दिया। तो यही एक तरीकाकार होता है कि मार्केट के अंदर जो चीज़ चल रही है उससे अच्छे रेट में और उससे आला मैार के ऊपर आप चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ही आप इस चीज़ को वेट करेंगे कि भाई आप रिश्ता किसी के साथ जोड़ रहे हैं या निभा रहे हैं। इसी रवायत को आगे कायम रखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने, रूरल एनक्लेव इंतजामिया ने ये सोचा भी है और इस सिलसिले में हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन अपने रेंटर से की है। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है फ्रंट रो में और सेकंड रो में, और मेरी कोशिश यही है कि 80% जिनको मैं देख रहा हूँ उनसे मेरी 1-to-1 की बात हुई और हमसे इनसे इनपुट भी लिया है। तो आप तमाम तरह की इनपुट के बाद और सेम है हमारी जो मैनेजमेंट ने डिसीजन किया है कि हम डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी इसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जिस तरह हमने लैंड कॉस्ट में आपको ख्याल रखा, और एक दफ़ा फिर साबित करेंगे कि हम वाकई रिश्ता निभाना जानते हैं और वाकई आप हमें बहुत अजीज हैं। और उस सिलसिले में जहां आपके बेनिफिट्स की बात हो वहां दिल खोल के ज़रूर दा दिया करें, ठीक है। ये सारी बातें आपके बेनिफिट्स के लिए जा रहे हैं। आज आपको आपका प्लॉट मिल रहा है, आपसे बात हो रही है कि आपकी लैंड कॉस्ट के ऊपर आपका डिस्काउंट है, आपसे ये बात हो रही है कि आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस भी लगने वाले हैं वो इंशाल्लाह मार्केट की नस्बत कम होगा और उसमें भी डिस्काउंट होंगे। तो बहुत सी कुछ कमी है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ से आप जाएंगे खाना खाने के बाद तो वैसे ही आप खुश होकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी अच्छा खासा खुश होंगे हमारी बातों से भी और हमारी डिस्कशन से भी। तो मैं बात कर रहा था कि हम आपसे रिश्ता निभाना जानते हैं और रिश्ता निभा रहे हैं, और उसको मैंने ऑलरेडी प्रूव भी किया कि हमने बेहतरीन लोकेशन के ऊपर अच्छी प्लानिंग के साथ आपको कम तीन रेट्स में प्लॉट दिए। आप कंपेयर कर इसको मार्केट में। सेम हियर, अब जब डेवलपमेंट चार्जेस हम अनाउंस करने वाले हैं तो एक लाइन जो है मैं ज़रूर अभी खींचना चाह रहा हूँ, जिसको मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सही सुने भी सही और समझे भी सही, और उसके बाद जब मैं डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पर अनाउंस करें तो आपको पता चले कि यार वाकई ये जो असद साहब ने बात की है, असद साहब ने हमारा या हमारे क्लाइंट का ख्याल रखा है। डेवलपमेंट चार्जेस हम ले रहे हैं उस वक्त ले रहे हैं जब हम आपको कह रहे हैं कि आओ हमसे प्लॉट लो, इससे पहले हमने कभी भी क्लेम नहीं किया। और जितनी भी अभी तक डेवलपमेंट की है प्रोजेक्ट ने अपना पैसा लगाया है और अपने पोर्टफोलियो से मैनेज किया है। सो डेवलपमेंट चार्जेस जो भी होंगे जो अभी मैं अनाउंस करूँगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मार्केट के अंदर अभी जो पर मरला रेट चल रहा है रेजिडेंशियल का, इंशाल्लाह वो उनसे 40-50 हज़ार कम होंगे पहला, तो इसको आपने माइंड में रखना है। दूसरी बात जो हम अभी इंशाल्लाह डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करेंगे ये प्योरली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के रेजिडेंशियल के होंगे। सेकंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 जून 2024 तक उसके लिए हम एक आपको ऑफर भी देंगे। एक तो कंपेयर टू मार्केट हम आपको कम देंगे, कम अनाउंस करेंगे, उसमें भी 10 जून तक आपको एक हैंडसम डिस्काउंट दिया जाएगा कि जो उसको अवेल करना चाहता है या अपना पे करना चाहता है मजीद उसमें वो कमी ला सकता है, तो वो भी इंशाल्लाह भी हम यहाँ से अनाउंस करके और बता के उठेंगे। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट चार्जेस आपको पूरी मार्केट की नस्बत कम लगा रहे हैं या हम उसमें मजीद आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और हम कहीं अपनी डेवलपमेंट का मियार डाउन करेंगे, नहीं। इंशाल्लाह आपके साथ ये हमारी कमिटमेंट है
कि आपको हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट का मियार कंपेयर टू पूरी मार्केट जो हमारे हमसाये में जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके इक्विवेलेंट या उससे बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। और उसका वादा सबूत आप साइट पे अभी भी जाएं, क्योंकि ये डेवलपमेंट होने नहीं है, हो रही है, अभी भी आप जाएं तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को जाके खड़े हो तो आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ऐसे कंट्रोल में नजर आता है, स्लो में नजर आता है। शदीद तरीन बारिशों के अंदर भी आप साइट पे जब खड़े होते हैं तो शायद आपको एक कतरा पानी का नजर नहीं आता, तो ये क्या चीज शो करता है। आप अगर आप देखें तो शदीद तरीन बारिशों में सारा पानी ऊपर से नीचे हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में बना हुआ है उन्हीं के थ्रू फ्लो करके हवा में जा रहा है। कभी आपने जाके साइड पे देखा है कि यार इतने बड़े प्रेशर और पानी के थ्रू हमारा ड्रेनेज सिस्टम कहीं बह गया हो या टूट गया हो? नहीं। जितना भी हमारा सपाट हुआ हुआ है, जितना भी सबडेट हुआ हुआ है हमारा रोड नेटवर्क, सारी हैवी ट्रैफिक अडाला रोड से गुजर के हमारे प्रोडक्ट से गुजर के आगे जाती है, चाहे वो ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, एक्सपोजर हैं। जरा जाके चेक करें हमारी साइट के ऊपर, कभी भी हमारा जो स्पॉट रोड है या जो सबडेट रोड भी है तो कहीं आपको कहीं दबा हुआ या कहीं बैठ गया हुआ आपको नजर आया हो। तो क्या होता है मियार डेवलपमेंट का? यही मियार होता है, और यहीं से ये पता चलता है कि आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग कितनी मजबूत है और आपकी डेवलपमेंट के ऊपर कोई कंजूसी नहीं आ रही। और ये सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर नहीं हूँ और आप में से बहुत से दोस्त भी शायद इंजीनियर ना हो, तो कभी आपको ये महसूस हो कि हमारी साइट के ऊपर डेवलपमेंट का मियार डाउन है, तो ज़रूर आप अपनी अच्छी प्रोफेशनल टीम के साथ या एक अच्छी इनपुट के साथ हमारे साथ आएँ, हम आपको अपने इंजीनियर टीम के साथ इंशाल्लाह बिठाएंगे और आप उनको बताएं। ये हमारी आपके साथ जो कमिटमेंट है कि हम आपका जो डेवलपमेंट का मियार है कम्पेयर टू पूरी मार्केट उसके इक्विवेलेंट जो उससे बेहतर इंशाल्लाह आपको करके देंगे। तीसरा, डेवलपमेंट का रेट इंशाल्लाह सबसे कम होंगे। आपको अनिश्चित तौर पर डिवेलपमेंट के अंदर एक 10% तक बेहतरीन डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं जो मैं बताता हूँ। और तीसरा, आपकी डिवेलपमेंट का स्टैंडर्ड सबसे इंशाल्लाह इक्विवेलेंट जो उससे बेहतरीन होगा। और आखिरी चीज़, बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट सब हमारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो हम हमेशा दुआ को होते हैं कि अल्लाह पाक इस इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स को और हर प्रोजेक्ट को कामयाब करे। बट एक कंपैरिजन होता है जिसकी बेस के ऊपर हमारा क्लाइंट हमें अप्रिशिएट करता है, और कंपैरिजन होता है कि कभी कभी हमारा क्लाइंट हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता। चौथी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम ये आपको नहीं कह रहे कि भाई आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और आपको प्लॉट कहीं बाद में मिलेगा। हम आपसे ये कमेंट कर रहे हैं कि आपने पेमेंट अपने कंप्लीट करनी है और आपने फौरन आके हमसे प्लॉट लेना है। और उस सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहूँ कि नॉर्मल तौर पे तो हमारा ये शेड्यूल था कि हम एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी लैंड कॉस्ट और डेवलपमेंट चार्जेस पे करना है तो एक इवेंट करके हम साइट के ऊपर उनके हवाले कब्जा हैंड ओवर करें। बट अभी बस ऐसे ही बैठे हुए मुझे ये ख्याल भी आया और मेरी सोच भी आई कि ये बहुत लेट हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि जो अभी जुमेरात आ रही है, थर्सडे आ रहा है, बल्कि हर थर्सडे को साइट के ऊपर गेट टुगेदर रखते हैं और हर थर्सडे टू थर्सडे जिन लोगों ने भी अपने ड्यूज क्लियर करने हैं उनको हम साइट पर बुलाते हैं और हम अपने हाथों के थ्रू साथ और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके हम अपने हाथों से और हमारे रियल्टर्स जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनके हाथों से इंशाल्लाह हर जुमेरात को साइट के ऊपर एक छोटी सी गेट टुगेदर करके, चाहे वो 50 क्लाइंट हैं, चाहे वो 100 क्लाइंट्स हैं, चाहे वो 200 क्लाइंट्स हैं, उनके कब्जे उनके हवाले कराते हैं। तो कमिंग इंशाल्लाह जुमेरात को हम साइट पे होंगे और मैं देखना चाहूँगा कि हमारे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जो हमसे कब्जा लेना चाहते हैं। सो ओवर टू यू, अब आपके ऊपर है कि आप में से कौन सा शख्स जल्द अपना साइट के ऊपर कब्जा लेना चाह रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको पोस्ट करना चाह रहा हूँ कि बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनकी बेल्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उनका प्लॉट में भी आगे हो, क्योंकि कुछ के प्लॉट तो अभी डिवेल्प हो चुके हैं, कुछ के प्लॉट अभी डिवेल्प नहीं हुए। तो ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैंने जिस तरह कहा कि मजीद भी कंस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए आप लोग ज़रूर अपने फाइल सेल पार्टनर से, हमारे से या हमसे रब्ता करें। और मैं इंशाल्लाह इसके अलावा मजीद भी अपने रेलवे के साथ बैठूंगा ताकि मजीद आपको जल्दी क्लियर कर सकूँ। बट एक लाइन मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बहुत से हमारे क्लाइंट जो पहली बिल्डिंग में या सेकंड बिल्डिंग में आ चुके हैं बट उनके प्लॉट कहीं आगे हैं जो अब तक डिवेल्प नहीं हुए, बट उन्हीं में से बहुत से अभी डिवेल्प हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर, ऐसे क्लाइंट जिनके अभी तक प्लॉट वैलिड तो है लेकिन वो आगे हैं, उनके रेडी नहीं हुए, तो उनको आप कैसे कब्जा देंगे? तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि
कोई भी हाउसिंग सोसाइटी होती है तो कोई भी एक ब्लॉक जब लॉन्च करता है तो उसके अंदर उनका अपना एक रिजर्व एरिया होता है। मैं एक्सपोज के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हमने इकट्ठे ब्लॉक के 7,000 प्लॉट लॉन्च किए तो उसमें से 2,000 या 2,500 प्लॉट वो है जो हमारा रिजर्व एरिया है। जैसे हम पहली बिल्डिंग के अंदर कोई 1500 क्लाइंट की प्लॉट पैलेट हो गए, सेकंड बिल्डिंग में भी 2-1,000 हो गए, अभी जो आखिरी बिल्डिंग है उसमें भी शायद 1500 या 2,000 हो जाएंगे, तो बाकी जो 2-3,000 प्लॉट है वो हमारा रिजर्व एरिया है। सो हमने एज ए मैनेजमेंट अपने रिजर्व एरिया से भी कुछ प्लॉट रेडी किए हैं, जिनमें से हमने ऑरेंज होम को भी दिए हैं, जिनमें से हमने यूकॉन होम को भी दिए हैं, और वो आपके लिए भी रिजर्व रखे हुए हैं। ऐसा क्लाइंट जो ऑलरेडी पैलेट है, चाहे वो आगे है लेकिन उसका प्लॉट रेडी नहीं हुआ, बट वो अगर ड्यूज क्लियर करता है आपने और वो कहता है कि भाई मुझे अभी प्लॉट चाहिए, उसकी चॉइस के ऊपर है। अगर वो कहता है कि भाई नहीं मैं यही प्लॉट रखूंगा मुझे नहीं चाहिए, अगर बट वो चाहता है उसकी वजह के साथ मेरे ड्यूज क्लियर हो गए बट मेरा प्लॉट अभी रेडी नहीं है, तो वो अपने अथॉराइज्ड डीलर के थ्रू हमारे साथ रब्ता करें, हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट के साथ, सेल डिपार्टमेंट के साथ, तो हम उनको उसका प्लॉट विदाउट एनी ट्रांसफर फीस, विदाउट एनी फीस मूव करेंगे उस एरिए की तरफ जो हमारा डिमांड पड़ा हुआ है, और जो उसका प्लॉट होगा इंशाल्लाह वो हम अपने पास रखेंगे एज ए रिजर्व एरिया। तो ये जो आखिरी बात मैंने आपको की कि हम आपको डेवलपमेंट चार्ज के साथ ये बिल्कुल ही कह रहे कि आपका प्लॉट आपको लेट मिलेगा, इंशाल्लाह आप अपना प्लॉट फौरी हासिल करेंगे। तो क्या कहते हैं, बता दिए गए कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, सुनना चाहते हैं? चलिए जी, ओके जी। एक तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक्सेप्टेड ब्लॉक के रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस में अनाउंस करने वाला हूँ। इसमें तमाम कैटेगरी शामिल हैं, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला कनाल और 2 कनाल, सिर्फ रेजिडेंशियल। सो मैंने आपसे 4 लाइनें जो कही हैं डेवलपमेंट चार्जेस, सुनने से पहले उसको आपने जरूर दिमाग में रखना है कि कंपेयर टू मार्केट आपके कम होंगे, आपको उसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा, आपको डेवलपमेंट का म्याज इंशाल्लाह मार्केट की नस्बत बेहतर दिया जाएगा और आपको फौरी कब्जा दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें याद है ना, तो अब मैं अगर याद हैं तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ किसी नेक्स्ट इवेंट में आपको बताऊंगा। तो ये 4 चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, और हमारा जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का रेजिडेंशियल सेक्टर है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, उनमें हम पर मरला जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाने वाले हैं वो है 179,700, 1,79,700 पर मरला। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उसके ऊपर 10 जून तक एक हम डिस्काउंट भी देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं या आप लोग हैं, अभी हमारी कॉल सेंटर में या रिकवरी डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने क्लाइंट का लेजर ले सकते हैं। हमारे वो तमाम क्लाइंट जिनकी 100% डेट कॉस्ट क्लियर है, हमारे वो तमाम क्लाइंट जो वैलिड हो चुके हैं, और इवन दो हमारे वो तमाम क्लाइंट के जो वैलिड नहीं भी हुए लेकिन वो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, तो वो अपने लेजर्स की अपडेट जो है कि उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 7 मरला पे जो लगा है या 10 मरला पे लगा है, तो सिलसिले में ना हमारे कॉल सेंटर पे या रिकवरी डिपार्टमेंट में अभी आप कॉल करके तो अपने लेजर मंगवा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी ड्यूज क्यों हुई। और यहाँ हमारा पहला प्लान था कि हम डेवलपमेंट चार्जेस पे करने की सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेसिबिलिटीज है या ऑप्शन है सिर्फ उन लोगों को दें कि जो बैलेट हो चुके हैं या जिनकी 100% लैंड कॉस्ट है, बट हमारे बहुत से डीलर्स ने हमसे ये बात की कि सर जो एक्टिव क्लाइंट है आप उनको भी ज़रूर ऑप्शन दें, क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं और मैक्सिमम माइंडसेट है कि वो ये कहता है कि सर जो डिस्काउंट लैंड कॉस्ट में है वो भी अवेल कर लेते हैं, और जो डिस्काउंट आपका डेवलपमेंट के अंदर है वो भी करते हैं, बाकी कैश बाद में सोसाइटी को दे देंगे। तो इस सिलसिले में सर आप सबको मौका दें, क्योंकि आपने 10 जून तक जो है एक अच्छा डिस्काउंट दिया है, तो तमाम क्लाइंट्स जो भी चाहे जो भी एक्टिव क्लाइंट हैं, चाहे वो वैलेट है वो नॉन वैलेट है, ऑप्शन है कि वो अगर पे करना चाहता है अपने डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि 10 जून तक डिस्काउंट है वो अपना पे कर सकता है। थर्ड वन, मैं यहाँ पे डिस्काउंट से पहले आखिरी बात करना चाहूँगा कि नॉर्मल तौर पर हमने इस डेवलपमेंट चार्जेस को 1 साल के प्लान के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन 1 साल का मतलब ये नहीं कि आप 1 साल में दें, आप 2 साल में भी दे सकते हैं, आप 2.5 साल में भी दे सकते हैं, बट एक निश्चित तौर पे जो हमने उसका लेजर बनाया वो 1 ईयर प्लान के मुताबिक होता है। मतलब अगर 1 7 मरले का प्लॉट है तो उसका 11 लाख रुपये बनता है, तो वो 1 साल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक बार। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी है, क्योंकि आपके सामने है इस मुल्क के अंदर जहाँ रहते हैं यहाँ पे हाई रोज महंगाई होती है, सरिया महंगा हो रहा है, सीमेंट महंगा हो रहा है, डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसके लिए हमारी मैनेजमेंट ने एक कट ऑफ डेट रखी है
कि 9th मंथ तक, मतलब जब मैं आज आपसे अनाउंस कर रहा हूँ, इससे आगे 9 महीने जो बनते हैं 10 फरवरी 2025, यहाँ 9 माह कम्प्लीट होते हैं। इस वक्त तक जितना भी सीमेंट महंगा होता है, सरिया महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, वट सोएवर, हम इन डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर कोई रेंज नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद हम 10 फरवरी 2025 के बाद जब 9 महीने कंप्लीट होंगे तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बढ़ाएंगे, अगर सरिया नहीं महंगा हुआ, सीमेंट नहीं महंगा हुआ या डीजल की महंगाई नहीं हुई तो यही सस्टेन रहेगी, और कम तो होना नहीं है। मैं ये आपको ऑप्शन नहीं दे सकता कि कम होंगे, लेकिन रिव्यू करेंगे। तो 9th मंथ के बाद हम रिव्यू करेंगे। 12th मंथ का आपका लेजर है, बाकी आपकी चॉइस है जब आप यूज़ क्लियर करना चाहते हैं। और 3rd वन जो डिस्काउंट पॉलिसी है वो आप कह लेते 10 जून तक है। 10 जून तक डिस्काउंट पॉलिसी में इसलिए बता रहा हूँ कि हमने इससे पहले जो डिस्काउंट पॉलिसी थी वो वेव की सूरत में दी। आप सब ने वेव की होगी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, आप सब ने वेव की होगी जनरल ब्लॉक के अंदर। सो वेव की तरह एक डिस्काउंट वाउचर हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम रूडन एनक्लेव डेवलपमेंट डिस्काउंट फार्म कहते हैं। मैं चाहूँगा कि उसकी तस्वीर ये आप आपके सामने देख लें। ये 20,000 मालियत का एक फार्म है, तो ये आप सब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रूडन एनक्लेव डेवलपमेंट डिस्काउंट फार्म RDDF। ये हमने रेल की तर्ज का लॉन्च किया है, लेकिन ये जो RDDF है ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की मद में और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट की मद में लग सकता है। तो 10 जून तक कोई भी इसको अवेल करेगा तो वो 100% अपनी डेवलपमेंट की पेमेंट इसके थ्रू कर सकता है, और ये मार्केट में अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर होगा। और जब आप हमारे डेवलपमेंट की रेट्स को देखेंगे और इसके थ्रू जब पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट अवेल करेंगे, तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि हमने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया और कितने कम डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद रखनी है, और ज़रूर जो मेरे 4 पॉइंट्स हैं उसको माइंड में रखना है कि हमारी डेवलपमेंट चार्जेस कंपेयर टू मार्केट कम है आज के टाइम के मुताबिक। हमारी इंशाल्लाह डेवलपमेंट का मियार आपको लोगों से बेहतर और उसके इक्विपमेंट मिलेगा। आप जब न्यूज़ क्लियर करेंगे हम आपको कब्जा देंगे, हम आपको निगरानी नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात 100% आप इस RDDF को अवेल कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट की मद में। सो इंशाल्लाह अगली जुमेरात को आप सबके साथ मुलाकात होगी साइट के ऊपर, बल्कि सबके साथ नहीं होगी, उनके साथ होगी जो क्लाइंट इंशाल्लाह हमसे फौरी कब्ज़ा लेंगे। और इसीलिए हमने आपको कब्ज़ा देने से पहले वहाँ पे घरों की तामीर भी स्टार्ट किया है, और ये हमारे लिए यकीनन बहुत फख्र की बात है कि ऑलिव होम जैसे ग्रुप और यूकॉन्स होम जैसे ग्रुप के, मैं जब इनकी अभी प्रोफाइल देख रहा था और इससे पहले जब हमने इवेंट किया ऑलिव का, तो उनकी प्रोफाइल और दोस्तों से मुलाकात हुई तो बहुत खुशी महसूस हुई और बहुत एक ऑनर महसूस हुई। जब आपकी टीम में अच्छे लोग, अच्छी नीयत वाले लोग, मजबूत लोग जुड़ते हैं तो एक ख़ास किस्म की वाइब्स आती हैं और ताकत आती है। और वैसे भी हम देहाती लोग हैं तो हमने ये सुना हुआ है कि जब किस्मत आपकी माटी चल रही हो तो जो आपके साथ हल्का बाग में किस्मत का घनी शख्स होना तो उसके साथ जुड़ जाया करें तो खुद बहुत आपके सिस्टम चलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी किस्मतें यूकॉन होम के साथ और हमारी किस्मतें ऑलिव होम के साथ जुड़ रही हैं, और सेम ये ऑलिव होम की किस्मतें और यूकॉन होम की किस्मतें हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो आप लोगों की तो पहले हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक आसानी पैदा करेगा। और ये जो ड्रीम है, जिस दिन आज हम खड़े हैं कि आज हम प्लॉट हैंड ओवर कर रहे हैं, उसी तरह ये सफ़र आगे बढ़ता बढ़ता उस मकाम तक पहुँचेगा कि जिस दिन हम 100% सब क्लाइंट को उनके प्लॉट हैंड ओवर करेंगे। बाकी अल्लाह पाक आप सबका और हमारा हामी नासिर हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद, रूडन एनक्लेव जिंदाबाद। तो ये थी व्यूअर्स रूडन एनक्लेव की तरफ से अपडेट्स, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए और समझने के लिए हमारे दिए नंबर पर रब्ता करें और इंफॉर्मेशन लें। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।